हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईटीसी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ये हम जानने वाले हैं दोस्तों कि आईटीसी में हमने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या पैसों को हमने काम में लगाया है, क्या पैसों ने हमारे लिए मेहनत की है, क्या डिविडेंड इन्वेस्टिंग के जरिए पैसिव इनकम जनरेट हुई है, उसको हम समझने वाले हैं। पूरे 12 साल का दोस्तों यहां पर मैं डेटा लेकर आया हूं, पूरा वीडियो एक्सेल शीट में होने वाला है। साथ साथ हम लोग फ्यूचर भविष्य के भी डिविडेंड एक्सपेक्टेशन के बारे में बात इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी का पॉइंट, जहां पर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे क्या रेगुलर डिविडेंड आया है आईटीसी की तरफ से। तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 2011, ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया, कंपनी ने दो बार डिविडेंड दिया था ₹4.45 का। फिर फाइनेंशियल ईयर 12, 13, 14, 15, 16 कंटिन्यूअस आईटीसी की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। फिर उसके बाद जुलाई 2016 में आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने बोनस दिया हुआ था, ठीक है। तो जो बोनस दिया था तो उसके बाद से बाद की जो कैलकुलेशन है थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो उसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। फिर 2017 में अगर आप देखेंगे ₹4.75 का डिविडेंड, फिर ₹5.15, फिर ₹10.15, फिर फाइनेंशियल ईयर 21-22 और इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 23 जो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, फरवरी के महीने में आईटीसी ने ₹6 का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, हम उसको भी आज के कैलकुलेशन में ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने कंसिस्टेंसी की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर बिल्कुल यस, कंसिस्टेंट डिविडेंड आईटीसी की तरफ से आ रहा है। अब मैंने एक डेट ली 11 साल पुरानी, जैसे 25 फरवरी 2011, ठीक है। और उस समय में शेयर प्राइस कुछ ₹104 के आसपास में था, और समझ लीजिए कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उन्होंने उस समय में ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर 962 होते और फिर बाद में बोनस को एडजस्ट करने से उनको और ज्यादा शेयर मिलते। तो देख लेते हैं कि उनका किस हिसाब से उनका पेमेंट हुआ होता। तो देखिए डिविडेंड ₹1,00,000 जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जब कब 2011 की जब बात है, तो दो बार डिविडेंड मिला था फाइनेंशियल ईयर 11 में, यहां पर हम देख सकते हैं ₹2.80 और ₹1.65 का, तो ₹4,279 उनको मिल रहे थे। तो पहले ही साल अगर आप देखेंगे तो 4.3% की डिविडेंड यील्ड आईटीसी में मिल रही है। दूसरे साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2012 में आप देख सकते हैं वही ₹1,00,000 में आपको 4,327 का आपको डिविडेंड मिला। तो ऐसे ही हर साल देखिए डिविडेंड बढ़ रहा है, डिविडेंड यील्ड भी बढ़ रही है, 5%, 6%, 8.2% हो गई। फिर उसके बाद बोनस आ जाता है, ठीक है। बोनस कब आ जाता है? 2016 में आ जाता है। तो उसके बाद होता क्या है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स थे, ठीक है, यहां मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए जैसे यहां 962 शेयर्स थे, अब हो गए 1443 शेयर, क्योंकि दो शेयर पर आपको एक बोनस शेयर मिला। तो क्या होगा, कैलकुलेशंस जो है वो चेंज हो जाएगी। मैं आपको यहां एक कैलकुलेशन ही समझा देता हूं। जैसे जून 2017 को आप देख सकते हैं, यहां पर ग्रीन कलर कर देता हूं, ₹4.75 का तब डिविडेंड था, ओके। अब यहां ₹4.75 का डिविडेंड मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ, ये 1443 ज्यादा शेयर हो गए थे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया आपके सामने, आप देखिए 6854 आया, 6854 का हमको डिविडेंड मिला था, कब? जून 2017 को। तो 6.9% की यील्ड हो गई। अच्छा, यहां एक चीज मैं बता दूं, जो 2016 का जो डिविडेंड था उसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी था, इसीलिए 2016 का जो डिविडेंड यील्ड जो है थोड़ी ज्यादा दिख रही है, 8.2% दिख रही है, फिर बाद में 6.9% गिरी है। इसका रीजन है कि यहां पर एक स्पेशल डिविडेंड कंपनी की तरफ से आया। फिर देखिए 2018 में आप यहां देखिए ₹5.15 डिविडेंड, फिर ₹5.75 का यहां पर डिविडेंड आप यहां पर देख सकते हैं, फिर ये डिविडेंड बढ़ रहा है। फिर फाइनेंशियल ईयर यहां पर 21 में, ओके, दो बार डिविडेंड आया और टोटल जो पैसा इन्वेस्टर को मिला वो था 15,512। पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने आपको याद होगा ₹5.25 और ₹6.25 का डिविडेंड दिया था, तो ₹11.50 का डिविडेंड दिया था, तो वही ₹1,00,000 में 16,595 का डिविडेंड टोटल हो रहा है। और अभी का भी डिविडेंड, मैं यहां पर टैक्सेस को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, अभी का भी डिविडेंड को अगर हम देखें तो वो ₹1,00,000 में ₹8,658 का डिविडेंड हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि डिविडेंड बढ़ा है ओवरऑल, ये जितने भी डिविडेंड्स हैं, ओके, ये हमको डिविडेंड पूरे जितने भी साल है मिले हुए हैं, ये पूरे डिविडेंड्स मिले हुए, इनको मैं अगर ऐड कर दूं कि हमको डे वन से कितना रुपया मिला है सिर्फ डिविडेंड के जरिए ₹1,00,000 इन्वेस्ट करके, तो टोटल डिविडेंड हमको 111,600 मतलब ₹1,11,600 हमको टोटल डिविडेंड अभी तक
यहां पर मिला हुआ है टोटल टिल नाउ सब डिविडेंड को, टोटल डिविडेंड जो अभी हम सबको ऐड करते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहां पर शेयर प्राइस इंक्रीज को कंसिडर ही नहीं किया है। एडजस्टेड जो शेयर प्राइस था तब 104 रुपए के आसपास में था, अभी कुछ 370 के आसपास में शेयर प्राइस होगा। तो शेयर प्राइस जो आपकी वेल्थ है वो तो 3.5 गुना तो एक्चुअली में बढ़ी गई है, बट चूंकि इस वीडियो का उद्देश्य जो है वो डिविडेंड के ऊपर है, तो मैं सिर्फ डिविडेंड से ये दिखाना चाहता हूं कि अगर 1,02,011 में जिन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था तो उस साल में तो उनको डिविडेंड के जरिए 4.3% की यील्ड मिल रही थी, लेकिन रिसेंट में जो FY22 खत्म हुआ उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक कंपनी को होल्ड करके रखा है और उनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 16.6% हुई है। साथ साथ जो शेयर प्राइस है वो भी बढ़ा है, जो कि इंटरेस्टिंग बिल्कुल हो जाती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग इसीलिए बहुत अंडररेटेड इन्वेस्टिंग भी हो जाती है, क्योंकि हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक्स डेट से एक दिन पहले लेने का कोशिश करते हैं और फिर रिकॉर्ड डेट के अगले दिन बेचने का कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे जो पैसा मिले वो हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है वहां पर आप देख सकते हैं आपने एफडी को किस हिसाब से बीट किया। देखिए पहले तो 4-4.5% में शायद उतना अच्छा भी नहीं लग रहा हो, लेकिन अब देखिए 16.6% का यहां पर डिविडेंड यील्ड है। इस साल एक डिविडेंड ऑलरेडी फरवरी 2023 में आ चुका है और मैंने यहां लिखा भी है, अगर डिविडेंड की जिस हिसाब से हिस्ट्री है शायद एक और डिविडेंड जब मई के महीने में जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा तो हमको मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स है जिनको हम जिनसे हमको पता चल रहा है कि एटलीस्ट इन्वेस्ट करके डिविडेंड के जरिए वो पैसा तो वसूल हो ही गया है। अब मैं बात करूंगा दूसरा पॉइंट और वो है डिविडेंड ग्रोथ का, डिविडेंड ग्रोथ क्या हुआ है और उसके बाद में फ्यूचर का प्रोजेक्शन आपके सामने मैं यहां रखने वाला हूं। तो डिविडेंड ग्रोथ में आप देख सकते हैं मार्च 2017 में जैसे 4.75 रुपीज का डिविडेंड था और अभी मार्च 2023 बिल्कुल लेटेस्ट तक अगर होल्ड है तो 16% डिविडेंड ग्रोथ हुआ है। 2018 पांच साल पहले भी अगर हम देखें तो 17% का डिविडेंड ग्रोथ हुआ है। तो एक कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ तो आईटीसी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा हुआ ही है। अब मैंने यहां पर फ्यूचर में प्रोजेक्शन लिए हैं, फ्यूचर में मैंने क्या प्रोजेक्शन लिया है कि डिविडेंड ग्रोथ ठीक है सिर्फ 7% ही हो। ठीक है, यहां पर मैं बहुत जैसे ऊपर हमने देखा 16-17% नहीं, मैंने बोला ठीक है एटलीस्ट एफडी जितना भी अगर ग्रोथ होता है तो हमको 2027 में कितना डिविडेंड मिल सकता है। तो ये नंबर आया कुछ 16 रुपीज के आसपास में। अभी का जो शेयर प्राइस है कुछ 378 के पास में है, मैं यहां पर मैं कोशिश करता हूं वो भी एनालिसिस अगर हो जाए तो 378 के पास अगर मैं अभी का जो शेयर प्राइस है उसको भी मैं कैलकुलेशन में अगर मैं लूं तो 378 और अगर फ्यूचर में अगर सिर्फ 7% भी अगर ग्रोथ होने की उम्मीद रही तो भी फ्यूचर में कितना डिविडेंड यील्ड बन सकती है, यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 4% की डिविडेंड यील्ड तब बन सकती है। और दूसरा जो नंबर मैंने लिया है 2032 अगले 10 साल के बाद सिर्फ 7% ही अगर ग्रोथ होता है तो 22 रुपया का डिविडेंड हो सकता है। और शेयर प्राइस जिनके पास 378 में है उनका अगर देखेंगे यहां उनके लिए जो डिविडेंड है वो हो जाएगा कितना, टोटल 6% की डिविडेंड यील्ड यहां पर हो जाएगी। लेकिन ये ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट यहां अगर 7% नहीं आईटीसी ने समझ लीजिए 8% का ग्रोथ यील्ड किया तो फिर 4.5 और 6.6% का भी यहां पर जो है ग्रोथ हो सकता है। जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं एग्रेसिव मैं बहुत नहीं जाना चाहता लेकिन हिस्ट्री रही है कि 15-16% का ग्रोथ रहा हुआ है। अगर हम एज्यूम कर देते हैं कि चलिए आईटीसी ने अगले कुछ सालों में प्रॉफिट्स 15-16% के हिसाब से इंक्रीज किए और आईटीसी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ही है कि वो जितना प्रॉफिट करेंगे 80-85% डिविडेंड वो दे देंगे, तो प्रॉफिट अगर होते हैं तो डिविडेंड ग्रोथ रेट भी बढ़ सकता है। तो अगर अच्छे खासे प्रॉफिट ग्रोथ होते हैं लेट्स से 16% का अगर यहां पर डिविडेंड का ग्रोथ होता है तो 2027 में शायद 24 रुपीज भी डिविडेंड देखने को मिल सकता है, 16 नहीं 24 रुपया भी डिविडेंड देखने को मिल सकता है। और यही 300 का जो 78 का जो शेयर प्राइस है उसमें 6.4% की यील्ड मिल सकती है और 2032 में तो शायद 50 रुपए का भी यहां पर डिविडेंड मिलने का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। बट अगेन ये क्या है, फ्यूचर के प्रोजेक्शंस हैं, फ्यूचर के जो प्रोजेक्शंस हैं वो सही हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो कंजर्वेटिव अगर हम देखें सिर्फ अगर एफडी के अगर रेट में बढ़ा तो 16 रुपया के आसपास होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव अगर मैं जाऊं 16% के हिसाब से अगर मैं यहां पर जाऊं तो फिर
यहां पर 24 रुपीज या 50 रुपीज के आसपास, तो 16 से 24 रुपया के बीच में डिविडेंड 2027 में बढ़ सकता है, जो कि फिर भी अच्छी खासी यील्ड है। और अगेन यील्ड जो है मैंने अभी के 378 के प्राइस में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने कोविड के टाइम में जब आईटीसी बहुत चल नहीं रहा था, मेम स्टॉक था, सब मजाक उड़ा रहे थे उस समय में, 200-210 के जो प्राइस में एक्चुअली में लिया हुआ है। अगर उन इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम देखें, अगर प्रोजेक्शंस में अगर 210 का भाव लूं तो 11.5% की यील्ड हो जा रही है दोस्तों, जो कि किसी भी एक एफडी को आराम से बीट कर सकती है। और अगर वो लॉन्ग टर्म अगर रखते हैं, प्रोवाइडेड बिजनेस भी अच्छा करता रहे, तो फिर उनको तो 25% पैसा तो जो है वो डिविडेंड से ही मिल जाएगा। और उन इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, कौन से इन्वेस्टर, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जिन्होंने 2011 में इन्वेस्ट किया था 104 में, तो उनके लिए तो अगर आप देखेंगे डिविडेंड जो है और ज्यादा अच्छा, मतलब सोचिए 50% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड बन जाएगी। इसीलिए देखिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग जब हम बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में आपको बिल्कुल भी एक्साइट नहीं करती है, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ होता है, कंपाउंड होता है, आपको तब यहां पर इंटरेस्टिंग बनाती है। फाइनल एनालिसिस में कंसिस्टेंट डिविडेंड प्लेयर रहा है आईटीसी, डिविडेंड ग्रोथ, लेकिन एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉफिट ग्रोथ पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। मैंने 7% भी लिया है, 16% भी लिया है, लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ ही नहीं फॉर एग्जांपल, तो डिविडेंड ग्रोथ भी नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ 20% भी हो गया तो डिविडेंड ग्रोथ और ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि कंपनी प्रॉफिट करती रहे। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर्स को जरूर देखना है कि डिविडेंड पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं। पिछली डिविडेंड पॉलिसी 2020 मार्च को आई थी, मतलब उस पॉलिसी को भी एक्चुअली में अब 3 साल हो गए हैं, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो पॉलिसी है वो चेंज कर रहे हैं क्या? अभी उन्होंने 80-85% की पॉलिसी रखी हुई है, क्या उस पॉलिसी को वो कम करेंगे या फिर यही पॉलिसी रखेंगे? ये अगले कुछ सालों में देखने के लिए रहेगा। अब ये मैं 2023 नहीं 2025-26 की मैं बात कर रहा हूं। अगर पॉलिसी चेंज हो जाती है तो जो डिविडेंड के जो एस्टिमेशंस हैं वो भी कम हो सकते हैं या फिर ज्यादा या फिर बराबर वैसा भी हो सकता है। लास्ट में रिस्क को बिल्कुल ध्यान में रखिए। FDs में एटलीस्ट आपको पता रहता है 5% या 8% आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन जब हम कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो बहुत कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है और मार्केट कंडीशंस के भी हाथ में बहुत कुछ रहता है। तो डिविडेंड को लेकर ये सब प्रोजेक्शंस हैं जो हमने बनाए हैं, पास्ट हिस्ट्री को लेकर जहां पर कंपनी ने रेगुलर डिविडेंड दिए हैं, कोई ऐसा गारंटी नहीं कि फ्यूचर में भी वैसे ही डिविडेंड दे सके, बट हमारा एक्सपेक्टेशन है कि शायद वैसा डिविडेंड दे दे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।